मिनट देख लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए आते रहेंगे, वो जैसे जैसे ज्वाइन करेंगे तब तक देखते हैं। ठीक है, तो ए टाइप के मैंने बताया था आपको कि 10 रिसोर्सेज हैं, बी टाइप के 5 रिसोर्सेज हैं और सी टाइप के 7 रिसोर्सेज हैं। ए को अपना टास्क पूरा करने के लिए ए टाइप के 7 चाहिए, बी टाइप के 5 रिसोर्स चाहिए और सी टाइप के 3 रिसोर्स चाहिए। सिमिलरली उनको अलोकेशन जो है P0 को किया हुआ है ए टाइप का 0, बी टाइप का 1 और सी टाइप का 0। ऐसा क्यों अलोकेशन किया हुआ है? क्योंकि उसने मांगा ही एक ही है, जिसने जो मांगा है हमने उसको उस हिसाब से दे दिया। तो इसने बी टाइप का एक रिसोर्स मांगा, इसको चाहिए टोटल 5, पर एक की रिक्वेस्ट किए तो एक ही दे सकते हैं, ज़्यादा कैसे दे सकते हैं। ठीक है, मेरे पास बैंक में मेरे मेरे बैंक के पास 1 लाख रुपये जमा है और मैं 10,000 रुपये निकलवाने जाता हूँ, तो बैंक 1 लाख रुपये थोड़ी दे देगा। मुझे 10,000 चाहिए तो 10,000 ही देगा ना। तो मुझे रिक्वेस्ट मैंने सिर्फ एक रिसोर्स की है तो वो एक ही रिसोर्स देता है। आपको कैलकुलेट करनी है कि अवेल ये जो स्टेट है ना, ये करंट स्टेट है, ये सेफ स्टेट है या नहीं, मतलब यहाँ से एग्जीक्यूशन सबका पॉसिबल है क्या। अगर यहाँ पे यहाँ से सबका एग्जीक्यूशन पॉसिबल है तब तो ये जो सिस्टम में स्टेट है ये सेफ स्टेट है, नहीं तो ये अनसेफ स्टेट है। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है अवेलेबल, कितना है अवेलेबल बताओ, बताया था ना मैंने अवेलेबल कितना है। टाइप करो, मैसेज टाइप करो चैट में, आपको आंसर चैट में ही देना है। अवेलेबल कितने हैं बताओ, ए टाइप के कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ए टाइप के कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ए टाइप के कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ये बताओ। जवाब दो भाई, ए टाइप के कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। किसी ने पहला जवाब दिया है 10, बाकी सबको नहीं समझ में आ रहा है क्या, एक ने और 10 दिया है, ऐसा नहीं है। जिन्होंने गलत दिया है वो भी देख लें, जिन्होंने नहीं दिया है वो भी देख लें। ए टाइप के रिसोर्सेज शुरू में कितने थे, 10, आपने यहीं से तो 10 बोला है। ए टाइप के रिसोर्सेज शुरुआत में थे 10, उसमें कुछ मैंने अलोकेट कर दिए, कितने अलोकेट कर दिए ए टाइप के, 2 मैंने दे दिए P1 को, 3 मैंने दे दिए P2 को और 2 दे दिए P3 को। तो कितने दे दिए ए टाइप के रिसोर्स, 3 और 2 5 और 2 7। तो ए टाइप के रिसोर्सेज जो 10 है ना, ये तो शुरुआत में थे जब किसी ने कुछ मांगे नहीं थे। मैंने लिखा है ना इनिशियली, ध्यान से पढ़ना है, इनिशियली इनिशियली ए टाइप के 10 रिसोर्स थे, उसमें से 7 दे दिए तो कितने बचे मेरे पास, 3 ही बचे। ठीक है, कोई लिमिटलेस थोड़ी है। सिमिलरली बी टाइप के शुरुआत में कितने थे, 5, कितने दे दिए मैंने, एक इसको दे दिया एक इसको दे, कितने बचे 3। सी टाइप के शुरुआत में थे कितने, 7, उसमें से 2 तो दे दिए मैंने इसको और 2 दे दिए इसको और एक इसको दे दिया, कितने दे दिए 5, तो कितने बचे 2। किसको ये समझ में नहीं आ रहा है, अवेलेबल 3 3 2 कैसे हुए, ये किसको समझ में नहीं आ रहा है। ये समझ में नहीं आएगा तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है, अभी भी पूछ सकते हो। ये सबसे बेसिक है, अवेलेबल है 3 3 2, सबको आ गया।
जनों ने लिखा है, बाकी कुछ शायद आ गया शायद नहीं आया। नीट निकालो भाई सबकी, कितनी है? हर प्रोसेस की नीड निकालो कितनी है। हाँ सबसे पहले P0 की एक जवाब आया है 743। नीड कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम कितने चाहिए? 7, 5 और 3, उसमें से क्या माइनस किया? 0, 1, 0, कितना बचा? 7, 4 और 3। P1 का मैं बिना देखे लिख रहा हूँ अब तुम्हारे हिसाब से, ठीक है? कितना बचा? 1 और 2। वन टू और टू, बहुत सही। फिर P3 का, P2 का कितना आया है? 600, बहुत सही। 600 नहीं है, 600। फिर P3 का 531 किसका आया भाई? कौन है ये आकृति? 531 किसका आया है आकृति? 531 किसका आया है? 2, 2 और 2 चाहिए, तो ये कितना बचा? 0 और ये 1 और ये 1। लास्ट का 531 कैसे बचा? P4 का 4 तो टोटल शुरुआत में मांगा था, 0 दे दिया तो कितना बचा? 4। 3 मांग रहा था, 0 दिया, कितना बचा? 3। और 3 मांगा, कितना दिया? 2, कितना बचा? 1। तो 4, 3, 1। कोई है जिसका आंसर इससे अलग आया है? कई जनों ने P1 का लिखा है, P2 का, किसी ने P3 का। ओवरऑल सब सही है, आकृति सही है क्या? लास्ट का भी तुमने लिखा है तो भी 4, 3, 1 होना चाहिए। 5, 3, 1 नहीं है, 4, 3, 1 है। क्लियर करो। चलो क्लियर है, आ गया। तो ये नीड कैलकुलेट करनी है आपको। आपको मैक्सिमम अलोकेशन और नीड में से तीन है, जो तीन में से दो देंगे तो आपको तीसरा कैलकुलेट करना है। अगर अलोकेशन और नीड दे दिए हैं तो इन दोनों को ऐड करके मैक्सिमम निकालना है, और मैक्सिमम दिया हुआ होगा तो अलोकेशन और नीड में से कोई एक दिया हुआ होगा, तो तीसरे वाले को मैक्सिमम माइनस कर लेना दूसरे वाले को। अवेलेबल तो हमेशा दिया हुआ होगा, चाहे इनिशियली दिया हुआ हो चाहे करंट अवेलेबल दिया हुआ हो। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें निकालना है कि ये सिस्टम जो है सेफ स्टेट में है क्या। सेफ स्टेट का मतलब है कि यहाँ से एग्जीक्यूशन सबका पूरा हो सकता है क्या, ठीक है? यहाँ से सबका एग्जीक्यूशन पूरा हो सकता है क्या? तो मेरे हिसाब से तो हो सकता है। कैसे? सबसे पहले हम रिक्वेस्ट जो है अब किसके बराबर बना देंगे? मुझसे पूछ लिया ना कि एग्जीक्यूशन हो सकता है क्या, तो मैं क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट को मैं बना देता हूँ नीड के बराबर। तो जिसकी नीड सबसे कम है उसकी रिक्वेस्ट को उसके बराबर बना देता हूँ। तो नीड सबसे कम किसकी है? P3 की। तो P3 की जो नीड है वो मैं उसकी रिक्वेस्ट के बराबर बना देता हूँ, तो P3 की नीड इसमें से माइनस कर देता हूँ। P3 की जो रिक्वेस्ट है ना वो उसकी नीड के बराबर बना दिया, तो अवेलेबल है 332। इसमें से मैंने दे दिया, माइनस कर दिया। कितना कितना माइनस कर दिया? जितना उसकी रिक्वेस्ट है, जितनी उसकी नीड है। तो 0, 1 और 1। अभी तक जो क्वेश्चन था वो गिवन था, यहां तक तो जिसने जैसा मांगा उतना दे दिया। अब हमसे पूछा जाएगा कि यहां से आगे पॉसिबल है क्या, तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट को नीड के बराबर बना देंगे। तो बराबर बनाने से 332 माइनस 011 कितना बचा? कितना बचा बताओ भाई? ये तो 3 का 3 बचा, ये बचा आपका 2, और ये कितना बचा? 1। तो 3, 2, 1, जूही 3, 1, 1 कैसे बच गया? अब ये जादू से तुमने एक और कैसे कम कर दिया बी वाले को? बी टाइप का रिसोर्स 3 है हमारे पास, उसमें से एक कम हुआ है तो कितना बचा? 2 ही तो बचेगा। बताओ क्या गड़बड़ हो रही है? अरे सॉरी, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए बस, ठीक है? तो 3, 2, 1 बचा, तो इसकी नीड कितनी हो गई P3 की? अब इसकी नीड बढ़ जाएगी ना, पहले 0, 1, 1 थी, अब कितनी नीड हो गई इसकी?
मैक्सिमम के बराबर हो जाएगी, सही है कि नहीं बताओ। इसकी नीड पहले 0.11 थी, अब इसकी नीड किसके बराबर हो गई? मैक्सिमम के बराबर, सही है कि नहीं बताओ। है ना? हाँ जूही, आयु सही है ना। ये नीड अब उसकी कितनी हो जाएगी? 2 2 2 हो जाएगी ना, उसके मैक्सिमम के बराबर नीड हो जाएगी, है ना? क्या हाँ कह रहे हो तुम सब जने। इसकी नीड 0.11 थी, इसको मैंने इतने रिसोर्स दे दिए जितने चाहिए थे, तो कितनी नीड रह गई इसकी? जीरो रह जाएगी ना, नीड तो कम हो जाएगी ना। बोलो, दो तीन जनों ने कह दिया कि हाँ हो जाएगी सर, जो आप कह रहे हो मैक्सिमम के बराबर हो जाएगी। इसको कुछ रिसोर्सेस की जरूरत थी 0.11 की, वो मैंने दे दी। इसको दे दी तभी तो अवेलेबल में से कम हो गए। भाई अवेलेबल से कम होके कहीं ऐड भी तो होंगे ना वो, तो अवेलेबल से कम हो गए तो इसकी नीड कितनी हुई? जीरो हो गई। इसको ये समझ में नहीं आया कि नीड जीरो कैसे हो गई। 10 सेकेंड है सबके पास, जूही बताओ। आयुष, सबको समझ में आ रहा है? दो तीन जनों ने आंसर लिख दिया है, नहीं आया। कौन साहब है ये? 34 में कौन है? रोल नंबर 34 किसका है? नाम और नहीं लिखते हो तुम? दिव्यांशु, इसकी नीड थी 0.11। वापिस देखते हैं, 0.11 इसकी नीड थी, ठीक है? तो मैंने इसको इतने ही रिसोर्सेज दे दिए जितने इसको चाहिए थे, तो वो रिसोर्स लेने के बाद इसकी जरूरत कितनी रही? कुछ भी नहीं ना। तुमको तुमको 5 रुपए चाहिए थे, मैंने वो 5 रुपए तुमको दे दिए, तो और कितने चाहिए? कुछ भी नहीं। जितनी नीड थी उतनी मिल गई ना, इसलिए जीरो बचा, तो नीड जीरो हो गई। लेकिन अलोकेशन इसके पास पहले कितना था? 2.11। ये भी कितना कम हो गया? अलोकेशन कितना कम हुआ बताओ? बाकी लोग बताओ भाई, दिव्यांशु को क्लियर है? होपफुली। अलोकेशन चेंज होगा क्या? होगा। कम होगा क्या? होगा। कितना कम होगा? जितना उसने मांगा है। तो 2.11 में से क्या घटा देंगे हम? 0.11। 2.11 में से 0.11 कम कर दिया, कितना बचा? करो भाई मैक्स करो कोई। 2.11 में से 0.11 हटा दिया। दिव्यांशु तुम कल कॉलेज आना, है ना? और जूही तुम भी कल दोनों कॉलेज आना, ठीक है? और इस केबिन में बैठना मेरे सामने। अलोकेशन का मतलब है कि P3 को इतना दिया हुआ है, 2.11 इसको पहले दिया हुआ था, और कितना दिया मैंने इसको? 0.11 मैंने इसको और दे दिया। 2.11 तो पहले ही दिया हुआ था, 0.11 मैंने इसको और दे दिया, तभी तो अवेलेबल कम हो गया। मेरे पास 7 रुपए थे, तुमको 2 दे दिए, तो मेरे पास 2 कम हुए, तुम्हारे पास कितने बढ़ गए? जितने मैंने से कम हुए, तो कितना कम हुआ? 0.11। तो वो जाके कहाँ ऐड हुआ? यहाँ। तो अलोकेशन कितना हुआ? 2 2 2। जूही और दिव्यांशु कल आ जाना कॉलेज, है ना? बहुत दिन से मिले भी नहीं, तुमसे तो मिले ही नहीं। एक बार मेरा चेहरा देखोगे तो उसके बाद कभी गलत जवाब नहीं देंगे, ठीक है? हाँ कल आ जाना दोनों जने। 3 2 1 हो गया साहब अवेलेबल, और 2 2 2 अलोकेशन हो गया, नीड जीरो हो गई। अब ये बताओ कि P3 को अपना काम करने के लिए तीनों रिसोर्स कितने चाहिए थे? 2 2 2। हाँ जूही बिहार रहती है ना, तो आ जाएगी। आकृति तुम्हें आना हो तो तुम भी बता देना, दूसरों की चिंता नहीं करनी है अपने को। P3 को 2 2 2 चाहिए थे, नहीं तो तुम्हें भी आना पड़ेगा। 2 2 2 चाहिए थे, इसको कितना अलोकेट कर दिया? 2 2 2। तो किसका इंतजार कर रहा है? मेरा तो नहीं कर रहा, आप लोगों का भी कभी नहीं कर रहा, आप लोगों के जवाबों का भी आंसर वेट नहीं कर रहा, नहीं तो फिर सारी उम्र वेट ही करता रहेगा। इसको कुल मिला के जितना चाहिए था उतना इसको अलोकेट कर दिया, और किस चीज़ का वेट कर रहा है? किसी का नहीं। थोड़ी देर बाद या बहुत देर बाद कभी ना कभी तो अब अपना काम कर लेगा, कभी ना कभी अपना काम कर लेगा। काम कर लेगा तो ये 2 2 2 किसको देखे जाएगा? इसके नीचे कौन सा प्रोसेस है? उसको देखे जाएगा ना 2 2 2। P3 के बाद कौन सा प्रोसेस आता है उसके नीचे बताओ? नीचे
निधि किसको देके जाएगा ये? इसके बाद कौन सा प्रोसेस आता है? इसके बाद कौन सा प्रोसेस आता है? हाँ निधि, P4। तो ये P4 को देके जाएगा, है ना? हाँ, तुम भी कल कॉलेज आना। अब P4 इसका भाई है क्या जो इसको देके जाएगा? ये जो 222 रिसोर्स है, इसको P4 ने दिए थे क्या? इसे P4 ने दिए थे क्या P3 को, जो ये वापस जाते वक्त उसको देके जाएगा? क्लास में तुम आए और अपना काम करने के लिए पेन तुमने मुझसे मांगा, तुम्हारा काम खत्म हो गया, तो पेन किसको देके जाओगे? जिसका रोल नंबर तुम्हारे बाद आता है उसको देके जाओगे क्या, या खत्म होने के बाद पेन मुझे दे जाओगे? मुझे ही तो देके जाओगे ना। दिव्यांशु कह रहा है जिसकी नीड कम होगी उसको देके जाएगा। वो इसके खुद के हैं क्या जो उसको देके जाएगा? ये बात समझो, इसने ये रिसोर्स किससे लिए हैं? सिस्टम से। तो जाते वक्त किसको देके जाएगा? सिस्टम को देके जाएगा। P4 को क्यों देके जाएगा? मैं कह रहा हूं कि इसके नीचे P4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब P4 को नहीं लेके जाएगा। जब इसने अपना एग्जीक्यूशन पूरा कर लिया तो ये सिस्टम से चला गया, चला गया ये, ठीक है? तो इसने जाने जाते वक्त इसका डेटा पूरा खत्म हो गया। इसने कितने रिसोर्सेज होल्ड किए हुए थे? 222। तो वो किसको देके जाएगा? जिससे लिए थे उसी को तो देके जाएगा ना। जिससे इसने शुरुआत में लिए थे उनको देके जाएगा। कितना देके जाएगा? 2, 2 और 2। तो सिस्टम में ये देके जाएगा। पुराना वाला अवेलेबल अब भूल जाओ, पहले था कभी। 2, 2, 2 देके जाएगा सिस्टम को। तो कितना बचा हमारे पास अब? कितना बचा बताओ? ए टाइप का बचा 5, बी टाइप का बचा 4, और सी टाइप का कितना बचा? 3। सिंपल सी बात है, किसको समझ में नहीं आया ये बात बताओ अब? P3 को कुछ काम करने के लिए सिस्टम से उसने रुपए, उतनी रुपए क्या, रिसोर्सेज मांगे थे। उसका काम हो गया खत्म। खत्म हो गया तो रिसोर्सेज खा गया क्या? वो CD राइटर खा गया क्या पूरा? प्रिंटर को निगल गया क्या पूरा? नहीं। तो किसी को देके जाएगा? चैरिटी में तो दे नहीं सकता, है ना? चैरिटी में तो दे नहीं सकता, तो वापस हमें ही देके जाएगा ना सिस्टम को। तो सिस्टम को दे गया। मेरे पास अवेलेबल कितने थे? 3, 2, 1। अब कितने हो गए? 5, 4, 3। और एक प्रोसेस चला गया। ये बात किसको समझ में नहीं आई जो अब बता दो? किसको ये नहीं समझ में आया? हाँ दिव्यांशु, अभी तो आ गई। बाकी लोग कहाँ गए? निधि P4 से बाहर आए कि अभी तक वहीं पर हैं? आ गया आकृति, समझ में आ गया? ये तो हमको पता है कि कौन कहाँ रहता है, ये समझ में आया क्या? केतन को आ गया, आशुतोष को आया क्या? आयुष, बाकी लोग कहाँ गए? और किसने? जूही ने, जूही अब आया क्या? जूही के पीछे पड़ गया आज में 2 बार। तो यहाँ गलती करोगे ना तो वहां नहीं करोगे एग्जाम में। एक गलती तो सबको करनी है, ये बात तय है। एक बार सबको गलती करनी है। जो अभी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं वो आगे गलतियां करेंगे। जब तक गलती नहीं करोगे नहीं सीखोगे, मेरा ये मानना है। मुझे अच्छी बातें नहीं सुननी है, मैं चाहता हूं तुम लोग गलतियां करो। जान पूछ के मैंने बोला कि P3 के नीचे कौन सा प्रोसेस है, P3 के बाद कौन सा प्रोसेस है, ताकि तुम P4 बोलो, ताकि तुम अब ये गलती कर रहे हो तो बाद में नहीं करोगे। मैं जान पूछ के ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ जिससे तुम्हारी गलतियां हो। किसी को लगता है ये गलत है तो ठीक है भाई, है ना? चलो, तो P3 चला गया। अब हमारे पास 4 प्रोसेस बचे हैं। अवेलेबल कितने हैं? 5, 4, 3 अवेलेबल हैं। किसको सेटिस्फाई कर सकते हैं? P0 को तो नहीं दे सकते भाई, P2 को भी नहीं दे सकते, ठीक है? P1 को दे सकते हैं, P4 को दे सकते हैं। मेरी ये प्रैक्टिस रहती है कि जिसकी सबसे कम नीड है ना उसको दे दूं। बहुत कम दूंगा और ज़्यादा ही लेके आएगा। तो जितना देंगे ना उससे ज़्यादा ही लाएगा, क्योंकि पहले से ही कुछ होल्ड किया हुआ है। तो P1 को दे देता हूँ। P1 को दे दिया तो इसकी अलोकेशन पहले बढ़ा देते हैं। पिछली बार मैंने नीड कम कर दी थी पहले, तो लगता है आप लोगों को समझ में नहीं आया। P1 को मैं दे देता हूँ कितना, इसकी नीड कितनी है? 1, 2, 2।
तो मैं इसको 1 2 2 दे देता हूँ। 1 2 2 देने से ये कितना हो गया? 3। ये कितना हो गया? 2। और ये कितना हो गया? 2। इसका एलोकेशन इतना हो गया। इसकी नीड कितनी हो गई? नीड किसके मैक्सिमम के बराबर हो गई ना, बोलो। नीड मैक्सिमम के बराबर हो गई, 3 2 2। आकृति 3 2 2 हो गई। नहीं, बार बार जाल में नहीं फंसोगे। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद वापस देखते हैं। नीड हो गई इसकी 0, अलोकेशन हो गया इतना। कितना दे दिया इसको मैंने, लिखना ही भूल गया, कितना दिया इसको, कितना दे दिया था जल्दी बताओ। 1 2 2 दे दिया था। ऑल राइट, 1 2 और 2, 1 2 2 दे दिया। कितना बचा मेरे पास? कितना बचा अवेलेबल? कितना बचा? फोर और टू और वन, इतना अवेलेबल बचा। पुराने वाले को भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, 4 2 1। ये आपको समझ में आ रहा है कि मैंने मैक्सिमम अलोकेशन और नीड तो सबके लिए अलग अलग लिखा। P0 का मैक्सिमम अलोकेशन और नीड अलग है, P1 का अलग है, पर अवेलेबल मैंने सबके लिए कॉमन लिख रखा है कि नहीं? दिख रहा है ना, ये अवेलेबल सबके लिए कॉमन है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सबके लिए अवेलेबल एक साथ ही है। मेरे पास एक पेन है, क्लास में कोई भी मांगे मैं उसको वो दे दूंगा। तो सबके लिए एक एक पेन घर से नहीं लाया हूं मैं कि रोल नंबर 1 को जरूरत पड़ गई तो उसके लिए एक पेन ले लूं, रोल नंबर 2 को जरूरत पड़ गई तो उसके लिए भी पेन ले लूं। तुम तो अपने घर से एक भी पेन नहीं ला रहे और मैं तुम्हारे लिए 60 पेन लेके आऊं, ऐसा तो नहीं होगा ना? ऐसा तो नहीं होगा, है ना? तो मैं एक पेन लेके आया हूं, जिसको जरूरत है वो मांग लेगा। सही बात है। तो ये 4 2 1 इसलिए मैंने कॉमन सबके लिए लिखा है, ये अवेलेबल सबके लिए कॉमन होता है। ठीक है, चलो कुल मिला के P1 को कितना चाहिए था? 3 2 2। कितना मिल गया? 3 2 2। किसका वेट कर रहा है? किसी का नहीं। थोड़ी देर बाद या बहुत देर बाद, कोई भी टाइम हो, वो अपना काम खत्म कर लेगा, सिस्टम से चला जाएगा। उसके नीचे कौन सा प्रोसेस है? P2। तो P2 को कितना देके जाएगा वो? P2 को कितना देके गया वो? P2 को कितने रिसोर्स देके गया? कुछ नहीं देके गया। हाँ, उसके थे ही नहीं वो देने के लिए, वो रिसोर्सेस मेरे थे। हाँ, सिस्टम को देखे गया, कितने दिए के गया, जितने उसके पास थे, तो वो दे गया 7 4 और 3। तो 7 4 3 हमारे नए अवेलेबल हो गए। आपको ये एक एक टेबल है ना, जो पूरी ये पूरी टेबल, एक पहले ये टेबल बनानी है जो क्वेश्चन में गिवन है, अगले स्टेप में वो टेबल बनानी है जिसमें P3 गायब हो गया और अवेलेबल चेंज हो गया। उसके बाद एक ये टेबल बनानी है जिसमें P1 भी गायब हो गया और अवेलेबल और चेंज हो गया। तो ये तीसरा डायग्राम है, आपको ये डायग्राम चेंज करने हैं वहां पर। ठीक है, ऐसे आपको चेंज करना होगा। तो ये तीसरा फिगर ऐसा बनेगा आपका, एक तो शुरुआत में दिया हुआ है, दूसरा P3 के जाने के बाद और तीसरा P1 के जाने के बाद। तो ये है हमारा अभी का। तो ऐसे टेबल आपको बनाती हैं बार बार। नेक्स्ट स्टेप में चौथी टेबल जब बनेगी, अब नेक्स्ट में किसको दें हम? सबसे कम किसका है? 4 3 1, इसको दे देते हैं, P4 को दे देते हैं। कईयों ने P4 बोला है, P4 को दे देते हैं। बताओ भाई अवेलेबल कितना होगा? एक बार माइनस करो, एक बार प्लस करो। P4 के खत्म होने के बाद अवेलेबल कितना आ जाएगा? P4 के जाने के बाद अवेलेबल कितना आ जाएगा? ये 0 0 2 है क्या? 0 0 2 थोड़ी है। अच्छा, 0 0 2 ही। P4 के जाने के बाद मैं कह रहा हूं टोटल अवेलेबल कितना बचेगा? केतन 3 1 2 कैसे बचेगा? 7 4 3 तो मेरे पास अवेलेबल अभी है। P4 को खत्म होने के बाद, P4 के जाने के बाद सिस्टम से मेरा अवेलेबल कितना हो जाएगा? एक साथ पूछा मैंने, एक बार माइनस करो, एक बार प्लस करो। 11 7 4, ये कहाँ से आया आयुष? तुम भी कल कॉलेज आना,
11 कैसे आएगा? पूरे शुरुआत में ए टाइप के कितने रिसोर्स हैं? 10 तो टोटल है, तो 11 कैसे हो गए? कोई जादू किया गया तुमने? कोई जादू आता है क्या तुमको कि 10 के तुमने 11 रिसोर्स कर दिया? आयुष सॉरी नहीं रे बाबा, टोटल ऐड करेंगे तो पहले माइनस करो इसमें कितना, 431, फिर ऐड करो कितना, 433, तो मैं तो सीधा 002 ऐड कर देता हूँ। तुम मत करना ऐसे, तुमको दो स्टेप में बताना है, मतलब प्लस माइनस करने हैं। मैंने एक साथ ही कर दिया, कितना बचा, 7 और 4 और 5, तो 745 बचा। नहीं समझ में आया है तो मुझे पूछ लो, किसका गलत आ रहा था? आशुतोष का। 312 कैसे हुआ आशुतोष? 312 कैसे आया तुम्हारा? मुझे लग रहा है 7 4 और 3, तो तुमने सिर्फ माइनस करने के बाद बता दिया। या तो मैंने पूछा था P4 चला जाएगा उसके बाद, हाँ तो वो नहीं बताना था। 741 था, अब 745 हो गया। आयुष क्लियर है क्या? क्लियर है केतन? अब क्लियर है क्या? तुमने भी क्या लिखा है, 312 लिखा था तुमने भी, अब क्लियर है क्या? 11 तो हो ही नहीं सकते ना बाबा, 10 तो शुरुआत करी, एक सीधी राइटर दिया, मतलब मैंने तुमको काम करने के लिए पेन दिया और तुम जाते वक्त दो पेन दे गए। तुम्हारे पास तो एक भी नहीं था, एक होता तो मुझसे क्यों मांगते? और ये स्कीम तो सही है, मुझे तो पसंद आ रही है कि मैं तुमको नोट्स बनाने के लिए एक पेन दूं और तुम मुझे दो पेन दे के जाओ, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। पर ऐसा होगा कैसे? क्लियर है ना? चलो तो 11 तो कभी नहीं आ सकते। बाकी सबको क्लियर है क्या? कई लोग अभी भी जवाब नहीं दे रहे हैं। दिव्यांशु चला गया क्या कि यही है? यही है कि चला गया, किस हो गया? यही है, चलो समझ में आ गया। बढ़े आगे, P4 अपने सिस्टम से चला गया, कितने प्रोसेस बचे, दो। किसको देते हैं? किसी को भी दे दो, शुरुआत से यही किया तो P2 को दे देते हैं। P2 को जाने के बाद कितने रिसोर्सेज बचेंगे? P2 अपना एग्जीक्यूशन पूरा कर लेगा तो कितने रिसोर्स बचेंगे? डायरेक्ट बताओ, एक बार माइनस करो एक बार प्लस करो, आलस मत करो भाई, जल्दी करो। आशु तो दो स्टेप एक साथ कर रहा है, मुझे पता चल गया, तू मेरी तरकीब अपना रहा है, पर वहां गड़बड़ नहीं करनी है। जो भी शॉर्टकट यूज कर रहे हैं उनको फिर बता दूं, पहले माइनस करना है और फिर प्लस करना है, और हर प्रोसेस के जाने के बाद टेबल बनानी है। तो इस क्वेश्चन में 6 बार टेबल बनेगी, ठीक है? जो लोग डायरेक्ट कर रहे हैं वो करना नहीं है, अभी समझ में आ रहा है तो कर लो। और क्वेश्चन को लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो कि यही सॉल्व कर रहा हूँ मैं ही? तुम लोग सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? कोई नहीं कर रहा तुम लोगों में से सॉल्व। कौन है जो कॉपी में लिख रहे हैं? कोई नहीं लिख रहा, भले सब सही जवाब दे रहे हो पर कॉपी में कोई नहीं लिख रहा, मुझसे ही सॉल्व करवा रहे हो। 447 ये कौन आया भाई? दिव्यांशु 447 कैसे आएगा रे यार, बता। अभी मेरे पास सीधी सी बात है, 745 है, ठीक है? मैं कुछ दूंगा और वापस मुझे कुछ ज्यादा मिलेगा, क्यों? क्योंकि पहले से ही इसने कुछ होल्ड किया हुआ है, तो मुझे जो मेरे पास अभी है उससे तो ज्यादा ही मिलेगा ना। तो 745 में से माइनस करो कितना, 600, ठीक है? जो भी आंसर आए ना उसमें ऐड करो कितना, 302, नहीं जो भी आंसर आए उसमें 902 ऐड करो, 902 सही है। तो
कितना आएगा? कईयों ने सही आंसर दे दिया है 10 और 4 और 7। T02 ऐड कर दिया था, वो तो ऐड करना ही था साहब। 745 में 302 को ऐड करना ही था, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद करना था। चलो 10 4 7। मुझे डाउट है कि कुछ दो तीन जनों को नहीं समझ में आ रहा है। 10 4 7 कौन सा प्रोसेस चला गया? चलो इसको देना है, एक ही प्रोसेस बचा है। कितना कितना देना है इसको? माइनस करो कितना? 7 4 और 3 माइनस करो, इतनी तो नीड है इसकी। और ऐड कितना करना है उसमें? कितना ऐड करूं? 7 5 और 3 ऐड कर दूं, कितना बचा टोटल? कितना आएगा? बताओ भाई, सो गए क्या सब जने? 10 5 4 7 सारे प्रोसेस खत्म हुए और बचा कितना? 10 5 4 7। क्रॉस चेक भी हो जाएगा, क्रॉस चेक भी हो जाएगा। कितने प्रोसेस, कितने रिसोर्सेस थे? 10 5 4 7। सबने अपना काम खत्म कर लिया और कितना बचा? 10 5 7। मतलब कि जो काम से शुरू किया वापस वहीं आ गए, तो एकदम सही बात है, वहीं आना था। 10 प्रोसेस ने सीडी राइटर को यूज़ किया तो सीडी राइटर घस थोड़ी गया कि सर वो तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, 10 मिनट उसकी हाफ लाइफ होती है, वो तो ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं होगा वो। 6 जनों ने जवाब दिया है टोटल। आकृति, आयुष, आशुतोष और जूही और ये दिव्यांशु, इन 6 की अटेंडेंस लगेगी। बीच में एक दो जनों ने जवाब दिया था, वो चले गए। अच्छा ही सुन रहे हैं मुझे, बाकी जने तो पबजी खेल रहे। ठीक है, तो ये सेफ स्टेट है, इसका मतलब ये क्वेश्चन का आंसर है कि दिस सिस्टम इज इन सेफ स्टेट एंड द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इज। सबसे पहले हमने किसको किया था, कौन सा प्रोसेस था यहाँ पर? P3 को सबसे पहले किया था। P1 था? नहीं, जो ही P1 को कहाँ किया था, P3 को सबसे पहले किया था जहाँ तक मुझे याद है। P3 को किया था, फिर P1 को किया था, फिर बताओ, पहले P1 को किया था, सवाल ही नहीं। सबसे कम जिनकी नीड थी ना उसको किया था। कहाँ गया क्वेश्चन? ही मिट गया यहाँ से, चेंज कर दिया ना हमने। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले P3 को किया था, किसी ने कॉपी पे किए ही नहीं तुम लोगों ने। वाह रे वाह, मुझसे ही सॉल्व करवा लिया। यहाँ P3 था ना और वहाँ P1 था, फिर P1 को किया था, फिर P4 को किया था, हाँ, फिर P2 को किया था सेकंड लास्ट, हाँ, और फिर P0 को। 3 1 4 2 1। आशुतोष, 1 को तूने 2 बार किया होगा है ना? अच्छा P0, ठीक है। 3 1 4 2 0 ये था ऑर्डर, एंड द करेक्ट ऑर्डर इज दिस। ये भी हो सकता है कि शुरुआत में P3 को पहले देते तो दे सकते हैं। इस क्वेश्चन में P3 की भी रिक्वेस्ट सेटिस्फाई हो रही थी, तो ये आंसर भी सही माना जाएगा। इसमें मल्टीपल आंसर्स होते हैं, सबसे पहले P3 को करो और फिर P1 को करो, या 1 को करके 3 को भी कर सकते थे। लेकिन ये जरूर है कि P0 भी हो सकता था, जब हमारे पास 7 4 3 बचा था एक बार बीच में, तब हमने इसको अलाउ किया, उस समय इससे भी कर सकते थे। तो मल्टीपल आंसर्स अलाउड है, पर आपको कुछ जो भी आंसर लिखना है आपको इस तरीके से लिखना है, एंड द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इज दिस, जो भी आपका आंसर है। ठीक है, एंड द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इज दिस। P3
P3, P1, P4, P2, P0 या फिर 1, 3, 2, 4, 0 जो भी तुम्हारा है। क्लियर है क्या सबको? अटेंडेंस उन्हीं को मिलेगी जो इस सेशन में है, जो लाइट जाने के बाद वापस, जिन्होंने लॉगिन नहीं किया उनको बता देना, वो रोज़ की तरह लॉगिन करके सो गए और वापस कनेक्ट किया नहीं उन्होंने, तो उनको अटेंडेंस नहीं मिलेगी। बाकियों को समझ में आ रहा है क्या? नाम तो मुझे इतनी दिख रहे हैं, आदित्य, आंचल, अमित, अनीश, इन लोगों का, तुम लोगों का क्या है? अंकुर, अर्चित, आर्या, चारू, चिराग, कहाँ गए ये? दो बहनें भी गए, ईशा, ईशिका, कहाँ? अरे बाप रे, तुम इतने लोग हो क्लास में, कभी जवाब ही नहीं दिया। मुकेश है क्या? समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? जितनी एनर्जी मैं लगा रहा हूँ, अगर 5 ही 6 ही लोगों को समझ में आ रहा है, तो ये तो बहुत ही खराब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इतनी एनर्जी से तो कम से कम 50-60 लोगों को समझ में आना चाहिए था सबको। लाई ने कहा है, क्लियर है, चलो मान लेते हैं लाई ली। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। आपसे पूछा जाएगा ना कि पॉसिबल है क्या, तो हमें रिक्वेस्ट को नीड के बराबर बनाना है। मैं इसीलिए तो हम लोगों के गड़बड़ हो गई, हम शुरुआत में P3 और P1 को ही हम दे सकते थे। क्यों? क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा दे दिया। अगर शुरुआत में ही हमें पूछा होता क्या कि कोई एग्जीक्यूशन का तरीका पॉसिबल है क्या, जैसे ये क्वेश्चन ले लो, अगर इसी समय पूछा होता ना कि एग्जीक्यूशन का तरीका पॉसिबल है क्या, तो हम कह सकते थे शुरुआत में, सपोज करो सबका एलोकेशन 0 है, अगर इसी समय पूछा होता तब तो हम कर ही सकते हैं, सारे रिसोर्सेस फ्री हैं, और पहले P0 को दे दो, वापस दे जा P1 को, फिर P2 को, फिर P3 को, फिर P4 को, या फिर कोई भी ऑर्डर ले लो। दिक्कत तो तब आती है जब सबको थोड़ा थोड़ा दे दिया, तो सबको थोड़ा थोड़ा दे दिया हमने, इस वजह से प्रॉब्लम आ गई हमारे पास। तो मैं सबसे कम जिसकी नीड है ना उसको देता हूँ, उससे क्या होगा कि उसको थोड़ा दिया तो वापस ज्यादा दे के आएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा तो उसके पास पहले से ही पड़ा है, तो मैं थोड़ा सा उसे देता हूं तो वापस रिटर्न ज्यादा करेगा, है ना? डाउट हो तो फिर पूछ लो, अभी तक जिसको नहीं समझ में आया है। लास्ट 1 मिनट है, हाँ दे तो सबको सकते हैं, ज़्यादा नीड वाले को भी पहले दे सकते हैं, बशर्ते हमारे पास अवेलेबल हो, दे सकते हैं। पर तरीका मेरा जो है, मैं सबसे कम नीड वाले को ही देता हूँ, थोड़ा सा देने से ज़्यादा आ जाएगा। ज़्यादा नीड वाले को भी दे सकते हैं, जैसे मैंने बताया ना, मल्टीपल इसमें वो रहते हैं, मल्टीपल सीक्वेंस रहती हैं, राइट सीक्वेंसेस। चलो ठीक है, थैंक्स एवरीवन। कल की क्लास मिस नहीं करनी है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछते हैं, वो हम कल देखेंगे। ठीक है, ये तो एक तरीका हुआ इसको सॉल्व करने का, एक और एग्जांपल भी है, दोनों में से कोई भी मेथड आ सकता है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो थैंक्स एवरीवन।